समसेरा फिल्म के रिलीज होने के पहले सबको क्या लगा था कि ये फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर आग लगा देगी। अब फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अब तो आग नहीं लगाई, लेकिन प्रोड्यूसर के ऑफिस में आग लगा दी। जी हाँ दोस्तों, समसेरा के प्रोड्यूसर है यशराज फिल्म्स, और यशराज फिल्म्स की किस्मत इतनी ख़राब है कि इस साल उन्होंने 3 बड़ी फिल्में की, रणवीर सिंह की जयेश भाई जोरदार, अक्षय कुमार की सम्राट पृथ्वीराज, वही रणबीर कपूर और संजय दत्त की समसेरा। और यहाँ पर दुख की बात यह है कि ये तीनों ही बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक डिजास्टर साबित हुई, मतलब कि फ्लॉप भी नहीं हुई, सीधे डिजास्टर। तो दोस्तों यहां पर समसेरा का वीकेंड खत्म हो गया, और वीकडेज आते ही इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से दम तोड़ दिया है। अगर बात करें इस फिल्म के अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों फिल्म ने ओपनिंग ली थी 10 करोड़ 25 लाख रुपए से, और दूसरे दिन हल्की सी ग्रोथ आई थी, और फिल्म का सेकंड डे कलेक्शन 10 करोड़ 50 लाख रुपए रहा। लेकिन सबको क्या लगा था कि तीसरे दिन है संडे यानी कि फुल हॉलीडे, तो फिल्म के कलेक्शन में एक बड़ा जंप आएगा। लेकिन दोस्तों यहां पर समसेरा के जो तीसरे दिन के कलेक्शन है वो सिर्फ रहे 10 करोड़ 70 लाख रुपए। इसी के साथ दोस्तों समसेरा का वीकेंड इंडिया नेट कलेक्शन 31 करोड़ 45 लाख रुपए का रहा। बात करें चौथे दिन के कलेक्शन की, तो दोस्तों चौथे दिन तो फिल्म की जो ऑक्यूपेंसी है वो पहले दिन के मुकाबले 40% है। जहां पहले दिन फिल्म ने लगभग 10 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए थे, लेकिन चौथे दिन ये फिल्म इंडिया नेट कलेक्शन लगभग सिर्फ 4 करोड़ का कर रही है। यानी कि शुरुआती 4 दिनों में समसेरा का ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 35 करोड़ 40 लाख रुपए की रेंज में हो रहा है, वही इंडिया का ग्रॉस कलेक्शन 42 करोड़ 20 लाख रुपए। बताना चाहूंगा दोस्तों, फिल्म ने अभी तक ओवरसीज मार्केट से एस्टिमेट 12 करोड़ रुपए कमाए हैं। यानी कि समसेरा का 4 दिनों में जो वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रॉस कलेक्शन होता है वो हो चुका है 54 करोड़, यानी कि 54 करोड़ रुपए। फिल्म का बजट है 150 करोड़ रुपए, उस हिसाब से समसेरा बॉक्स ऑफिस पर हो चुकी है सुपर डिजास्टर।